Δεν έχει να πάνε καλά. Για ωραία, καλά. Ουρέλ, καλά. Ουρέλ. Νιού. Βέτ. Εστάτ. Φορ. अगर आप क्लास अलेवेंथ के स्टूडेंट हो और आप लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए बैच सोच रहे हैं कि कब से शुरू होगा तो आप लोग जान लीजिए कि क्लास ट्वेल्थ के लिए न्यू बैच हम शुरू कर चुके हैं और आपने मैथमेटिक्स रखा है तो आप यहां पर हैशटैग आपको मिलेगा बीच में एक हैशटैग तीन हैशटैग मिलेंगे पहला उसके बाद दूसरा तीसरा तीन हैशटैग मिलेंगे ये बीच वाले हैशटैग या ये बगल वाले हैशटैग को टच करके आप सभी वीडियो को सीरियली पा सकते हैं और क्लास ट्वेल्थ की संपूर्ण पढ़ाई मैथमेटिक्स की पा सकते हैं साथ में लिखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इनको हम क्या बोलते हैं प्रति सममित संबंध प्रति सममित संबंध संक्रामक से जो सममित होगा देखो एंटी मतलब क्या हो गया ये प्रति हो गया एंटी मतलब क्या हो गया प्रति सिमेट्रिक मतलब क्या होता है सममित समझ गया एंटी सिमेट्रिक इसका अर्थ क्या हो गया प्रति सम्मित संबंध अब देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हिंदी इनका क्या होता है प्रति सम्मित संबंध देखो एंटी हो गया ना ये क्या हो गया एंटी प्रतिवादी एंटी मतलब ये प्रति हो गया क्या हो गया प्रति अब वैसे बोलो अपने दैनिक जीवन में कहता हूँ मेरा एंटी पार्टी है क्या है एंटी मतलब क्या हो गया बोलो विरोधी पार्टी दुश्मन नहीं हो गया जी दुश्मन को क्या कहते हो जो तुम्हारा विरोधी है एंटी नहीं कहते हो एंटी हो गया समझ गया ना देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक मतलब क्या होता है सममित रिलेशन मतलब क्या होता है संबंध प्रति सममित संबंध अब देखो अब इनका परिभाषा किस प्रकार से होता है ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू यहाँ पर बी दे दो टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड बी यानी ए जो है बी से संबंधित हो ये यहाँ पर लिखना चाहो तो एंड एंड लिख दो क्या लिख दो एंड एंड नहीं तो ये मैथमेटिकल जो ये सिंबल है इसी को रहने दो बी रिलेटेड ए इनको हम क्या पढ़ते हैं इम्प्लाइड ए बराबर बी इसका क्या अर्थ हो गया मतलब ए जो है ना बी से संबंधित हो और बी बी से संबंधित हो बराबर इसका अर्थ हुआ कि ए और बी आपस में बराबर है ए और बी आपस में क्या होगा बराबर समझ गया ना डेटी इनको हम क्या बोलते हैं डेटी ए बी बिलोंग्स टू आर यानी ए बी पेयर जो है ये जो देख रहे हो पेयर आर का पेयर हो और बी ए क्या हो आर का पेयर हो तो इसका अर्थ हुआ कि ए बी किसके बराबर है ए बी के बराबर है ए किसके बराबर है अच्छा एंटी सिमेट्रिक के लिए हम आपको बताए हैं सिमेट्रिक के लिए नहीं बताए हैं जैसे ए बी आर का सदस्य हो तो बी ए भी क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए एंटी नहीं जी सिमेट्रिक का एकदम विपरीत न चल रहा है नहीं चल रहा है तो क्या होगा अगर ए बी को आ रहा है तो बी ए नहीं होना चाहिए में लेकिन सिमेट्रिक में ए बी है तो बी ए होना चाहिए था इसमें नहीं होना चाहिए हालांकि कभी कभी क्या होता है समझ गया जो एग्जाम्पल आपको सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होता है तो ये जरूरी नहीं है कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा मतलब कुछ ऐसे भी एग्जांपल होते हैं जो मान के चलो कि सिमेट्रिक भी नहीं है एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है लेकिन सिंपल अर्थ में जान लो कि जो सिमेट्रिक नहीं होता है वही क्या होता है एंटी सिमेट्रिक होता है इनका हिंदी में डेफिनेशन लिखो तो ये है ना ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए लिखो समुच ए पर परिभाषित संबंध आर समुच ए पर परिभाषित संबंध आर
देखो ये लड़का एकदम स्लो एकदम रच रच के लिख रहा है, फास्ट के लिखो। समुच्चय पर परिभाषित आर संबंध आर संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए रिलेटेड बी, यदि के बाद ये चीज पूरा लिख दो, यदि के बाद ये चीज पूरा उतार दो। एग्जाम्पल हो गया, होने वाला। अब एग्जाम्पल होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, समझ गया ना। देखो ये आर वन, ये कोई सेट ले लो, हम ले लिए एक दो तीन, ऐसे तीन, एक दो तीन क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट ये कोई सेट है, किस ब्रैकेट के अंदर में है, मध्यम ब्रैकेट के अंदर। अब ये कौन लेटर है, कैपिटल। वो रिलेशन आर वन ले लेते हैं, रिलेशन क्या ले लेते हैं आर वन। देखो एक दो ले लिए ना, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, क्या हो गया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, समझ गया ना। रिलेशन सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, जैसे मतलब सममित होता है, जैसे ए बी किसका सदस्य हो, आर का, बी सूचित करता है, बी ए भी क्या होगा आर का, समझ गया। कोई रिलेशन में ए बी है आ बी ए भी मिल गया, ए बी है बी ए भी मिल गया, क्या होगा सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। एक दो है, दो एक दो है, अब क्या होना चाहिए उल्टा के, समझ गया ना, सिमेट्रिक हो गया। हाँ देखो सिमेट्रिक हो गया ना, एंटी मतलब क्या उसका विरोधी ना, विरोधी समझ गया ना, यानी ए भी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। ओ जी सर जी, समझिए एंटी मतलब यह ना हो, अगर मतलब तोर एंटी पार्टी कर पूरब तू कहो पश्चिम तबे न भले तुम सुर में सुर पूर्वे मिला दिलो तो एंटी की बदलो। सिमेट्रिक के रोल छह की ए भी है तो बी ए नहीं, सिमेट्रिक कह रहा है ए भी है तो बी ए भी होगा, समझ गया ना, होगा। एंटी कह रहा है कि अगर ए भी है तो बी ए नहीं होगा। अब परिभाषा में क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ हो गया बी ए दोनों विरोधी है, सममित के लिए होता है। ये भी अगर मिल गया ना जी, ये भी है ना, तो बी ए नहीं होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक में, पलट के नहीं होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक में पोलट के होना चाहिए ना, जितने भी पेयर्स मिलेंगे सभी के लिए, एंटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एगो पेयर है वन टू है तो टू वन है, एगो पेयर में तो कोई दिखती है नहीं है तो होगा ही एंटी सिमेट्रिक। आप देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो इसमें एक दो ले लिए, एक तीन ले लिए नहीं ले लिए, देखो एक दो है तो दो एक है, एक तीन एक तीन एक है, एंटी सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। आ एक चीज इसको भी समझो, जैसे ए रिलेटेड बी एंड हम क्या किए, बी रिलेटेड ए, बी ए तो ए बराबर क्या दिए थे, अगर तुमको ए रिलेटेड ए बी से रिलेटेड हो जाए और बी ए से रिलेटेड हो जाए तो फाइनली ए और बी आपस में क्या होगा, बराबर तबे संभव है, समझ गया ना, तबे संभव मतलब ए और बी दूसरा चीज नहीं होगा, बराबर ए होगा, क्या होगा बराबर। एग्जाम्पल कीजिए, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, इसको क्या मान लो, तो देखो तो ए और बी आपस में बराबर है कि नहीं, है ना, ए भी बराबर है। तो ये चीज समझो कि यदि ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है, तो उसका अर्थ ये हुआ ए बराबर बी है, समझ गया ना। ये समझाने के लिए था। अब देखो आर थ्री, आर थ्री से एक दो, एक दो ले लिए, एक पांच लीजिए, पांच कैसे होगा, एक तीन होगा, एक तीन होगा कर रहे हैं तो वैसे एक दो तीन करो, एक तीन होगा, दो तीन लेते हैं ना तो एकदम ले सकते हैं, एक तीन, एक तीन तब दो तीन, दो एक, दो तीन, एक ले लिए जी सर। सिमेट्रिक रिलेशन ना है ये, एंटी सिमेट्रिक होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो एक मिल रहा है, विरोधी पार्टी मिल गया ना। देखो ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा,
सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक कोई नहीं होगा, कोई कौन नहीं होगा, क्योंकि दो तीन का पेयर नहीं है, इसलिए एक दो तो मिल गया लेकिन दो तीन नहीं, दो तीन यहाँ पर तीन का तीन को भी तो मिलना चाहिए, दो तीन मिला ना, अब क्या होना चाहिए, उसका विपरीत समझ रहा है ना, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, दोनों साथों साथ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, भी नहीं हो सकता है, एंटीसिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, तीन दो दे, तीन और दो दे दिए तो सर हो गए, हो जाएगा ना, सिमेट्रिक हो जाएगा, जैसे एक दो है, दो एक मिल गया ना, दो तीन है, तीन दो मिल गया तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। आप देखो तो इसमें क्या लिखोगे, ये R1 R2 क्या है, व्हाट R3 इज नॉट नॉट समझ गया ना, ये आपको R1 एंड R2 क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, R3 इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक। आप देखो चलो उतार लेते हैं, जैसे ए क्रॉस ए, ए में हम लेते हैं एलिमेंट ए बी सी, क्या ले लेते हैं, ए बी सी, एक तो सर बनाने के लिए देखते हैं तुरंत, एग्जांपल वही देखो सर, कपड़ा दिमाग में नहीं आया, झगड़ा दिमाग में नहीं आया, आप दिमाग जब वज्र होगा हमरो दिमाग कंटाट कर, इसलिए एकदम तब नहीं आएगा सर जी, हमरो दिमाग में नहीं, तुम्हारा दिमाग वज्र है कि दोसर जाता के मौसम में आपका दिमाग वज्र नहीं रहे, वज्र देखो ऐसे गुना कर रहे हैं ना, ए ए क्या होगा, इसमें क्या होगा बोलो, इसमें क्या लिखेंगे, ए से गुना होता है, ए बी से गुना, ए के साथ पेयर बनाया तो इसमें क्या होगा, ए बी ए सी होगा, ए सी, कितना अच्छा तो समझ रहा है, बोल रहा है नहीं समझ रहे हैं, इसमें बोलो क्या होगा, बी ए बी बी क्या होगा, बी सी बी सी, इसमें क्या होगा, इसमें होगा सी ए सी बी सी बी होगा, सी सी होगा, समझ रहा है ना, देखो तो जब एलिमेंट सेम रिपीट हो जाए, एलिमेंट सेम रिपीट जैसे वन वन आ गया तो वन वन में ए भी क्या हुआ वन, बी भी क्या हो गया वन, तो ये डायगोनल एलिमेंट के लिए जो होता है ना, डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, देखो डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, ये जो कोना बिकर्ण कहते हैं जी, कोना कोनी जो मिलाते हैं, कोना कोनी वाला जो एलिमेंट होता है, देखो तो डायगोनल एलिमेंट क्या हुआ, ए बी बी सी सी ने हो गया, ये सब देखो एंटी सिमेट्रिक के आपको एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि ए है तो डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना है नहीं, ये ए बी है तो बी है, क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स का, डायगोनल मतलब बिकर्ण हो गया, विकर्ण के एकदम देखो विकर्ण खींचेगा यहाँ से यहाँ रेखा मिलाएगा, कौन कटेगा, डायगोनल पर वही ना आया, इसलिए डायगोनल एलिमेंट है उस साइड से, सर ए सी बी बी सी सी ए बी और ए सी है, उधर लेके चलो उस साइड से नहीं लेके चलेंगे, नहीं ठीक, वो चतुर्भुज थोड़े छे अब इन से लाके एकदम चलो, इसमें इस साइड से समझ गया ना, एंटी सिमेट्रिक जैसे ए है ए बी है, अब बोलो बी ए है ए सी है तो सी ए है, बी ए है ए बी है, देखो तो बी सी है, समझ चुका है ना, इसको समझने में और दिक्कत है, एंटी सिमेट्रिक को उतारिए, रिलेशन जिनको हम बोलते हैं तुलनीय तुल्यता संबंध, सही है बोलो, और नाप ही चलो तुल्यता संबंध नाप तो
इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध ए याद देंगे सर नीचे में आर ए रिलेशन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस relation if R is reflexive symmetric and transitive at equivalence relation tulyata sambandh A relation R is said to be equivalent relation if R is reflexive, symmetric and transitive. इसका हिंदी में परिभाषा लिखो. कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है. कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है. यदि वह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हो. यदि वह स्वतुल्य सममित जिनका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्सिव सममित तथा संक्रामक हो तथा संक्रामक हो लिख लिया. यस सर. अब लिखो एस डेफिनेशन. देखो यदि आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो. यदि आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो और ट्रांजिटिव हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं. तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं. एग्जांपल ट्रांजिटिव आर कोई रिलेशन है इस प्रकार से है. ये भी देखो आर में क्या है. ये भी तुल्यता संबंध का तुल्यता ये पैरेलल क्या हो गया बी. अब देखना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो करना क्या पड़ेगा आपको जांचना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज में जांचना होगा. पहला क्या जांचोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम कितने एलिमेंट लेते हैं. एक सिमेट्रिक में दो और ट्रांजिटिव में तीन. यानी रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं उसको सेल्फ रिलेटेड करते हैं. तो मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू ए. ये जो है ए से संबंधित ए का अवयव है. ये किसका अवयव है. ए का अवयव है. एक एलिमेंट ए का अवयव है. ए का तत्व है. तो देखो उसके अनुसार क्या होगा. सही से ए पैरेलल ए हो सकता है. हाँ हो सकता है. देखो इसमें रिलेशन है क्या. समांतर में रिलेशन है जी. जी सर. इसका रिलेशन क्या है. समांतर ने बताए हैं जी. परपेंडिकुलर पैरेलल ये सब मैथमेटिक्स का रिलेशन होता है. इसका रिलेशन क्या है. समांतर. समांतर है. समांतर ना इसका रिलेशन जी. तो देखो ये ए के समांतर होगा कि नहीं होगा. प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है. कौन भी स्वयं के समांतर हो. समझ गया ना. फर्क है क्या. तुम जिस अतिशाय में बैठे हुए हो तुम्हारा इनाम दो बार लेंगे तो क्या साइज बदल जाएगा. इसलिए देखो ये किससे रिलेटेड हो गया ना.
आप देखो यहाँ पर लिख देना है ए रिलेटेड ए ए ए बिलोंग्स टू आर डेफिनेशन पर तो गला जाना है समझ गया ना yes, क्या परिभाषा है ए रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए करते हैं ए बिलोंग्स टू आर ये डेफिनेशन है ना ए रिलेटेड क्या करते हैं ए बिलोंग्स टू क्या करते हैं परिभाषा पर चले जाओ क्यों हो गया क्योंकि ए से संबंधित क्योंकि ए ए के समांतर है निरंतर विरोध कर रहा है रिलेशन का विरोध कर देता नहीं होता तब ए से संबंधित होता देखो ये कह रहा है कि समांतर ए बी के समांतर समझ गया ना ए बी के समांतर ए समांतर बी ए समांतर बी आप चूंकि रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो बी ने ले लेगा बी के जगह भी ने ए रखना होता है ए ए के समांतर होगा कि नहीं होगा विरोध हुआ है नहीं हुआ है बी का विरोध बी के जगह ए रखेंगे बी के जगह क्या रखेंगे ए के समांतर होगा कि नहीं होगा क्या विरोध हो रहा है नहीं सर इसलिए ये क्या है रिलेशन है अरे दूसरा देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या को एलिमेंट लेते हैं दो को लेते हैं ये भी बिलोंग्स टू क्या करेगा ये तो देखो इसमें क्या करेगा इनके परिभाषा क्या होगा ए रिलेटेड बी परिभाषा क्या होता है ए रिलेटेड बी रिलेटेड बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड ए ना होता है ए रिलेटेड क्या हो गया बी इम्प्लाइज देगा ना जो है रिलेशन जो है आर जो है रिलेशन आर फॉर रिलेशन ये क्या है पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है पैरेलल तो आर की जगह क्या रखोगे बी समांतर रखोगे ना ये रिलेशन क्या है यहाँ पर क्या रखोगे ये भी हो गया ना आप बी को पहले लिखो ए को बाद में लिखो बी को पहले ए को बाद में लिखो लिख सकते हैं ना क्योंकि ए बी है तो अब तुमको क्या लिखना है बी एन लिखना है ए बी है तो आपको क्या लिखना है तो ए बी हम लिख दिए हैं ये एल एच एस पार्ट हो गया तुम्हारा क्या हो गया एलएचएस पार्ट से क्या करोगे आरएचएस पार्ट को पूरा होगे कि नहीं पूरा होगे ऐसा समझो ऐसा इसमें होता है ना लेकिन समझ लो कि ये आपका आरएचएस पार्ट ये क्या हो गया एलएचएस पार्ट कौन आर एच एस ये मायर से भी ना दिखाई देगा दहना वाला आरएचएस वाला दिखाई देगा तब एकदम तुम समझेगा तुम दहना और एकदम बाया दहना नहीं समझता है जी सर एलएचएस आरएचएस ये खाए वाला दहना क्या है इधर वाला ये पार्ट क्या होगा आरएचएस ये क्या होगा एलएचएस यही लड़का समझ रहा है तो समझ जाओ कि एकदम तुम ऐसा बात कर रहे हैं तुम तो मार खाएगा समझे लेकिन आप देखिए ए रिलेटेड क्या है आर का मतलब क्या हो गया रिलेटेड यहाँ पर रिलेशन क्या है समांतर ए समांतर क्या होगा बी होगा ना अब देखो ए समांतर बी हो गया तो तुमको क्या होना चाहिए बी समांतर ए भी होना चाहिए ना तो हम क्या इसके लिए क्या करोगे बी को पहले लिखेगा ए को बाद में नहीं लिखेगा क्योंकि बी समांतर ए करना है जी सर अच्छा देखो बी को पहले लिख दिए ए को बाद में लिखिए तो कोई फर्क हो रहा है नो सर रिलेशन का विरोध कर रहा है जैसे ए बी के पिता है तो बी ए के पिता होगा रिलेशन का वहाँ विरोध हो जाता है ना यहाँ पर कहते ए समांतर बी बी समांतर ए तो कोनो विरोध हो रहा है सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा होगा तो बी रिलेटेड क्या होगा ए तो आर इज क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन तीसरा ट्रांजिटिव एबी से संबंधित और बी से संबंधित होगा एसी से संबंधित इसमें कितने एलिमेंट लोगे ये मान लीजिए सेट ए का अवयव है सेट ए का क्या है अब बोलो परिभाषा के अनुसार क्या होगा ए बी से रिलेटेड होगा ए रिलेटेड बी परिभाषा के अनुसार क्या होगा रिलेटेड बी फिर क्या लिखते हैं बी रिलेटेड ए
ये रिलेटेड सी ये लिखते हैं ना जी ए रिलेटेड भी है बी रिलेटेड सी सी होगा सर देखो सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लेते हैं तीन क्या किस प्रकार से संबंधित तत्व ए बी और बी सी ए बी से संबंधित है मैट्रिक में तीन वाले जी ट्रांजिटिव ये है क्या ट्रांजिटिव सिमेट्रिक में दो लेते हैं ट्रांजिटिव में तीन लेते हैं समझ गया ना ये ट्रांजिटिव है ना जी ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या है तो परिभाषा हो गया अब इस एल एच एस पार्ट से आर एच एस पार्ट को पूरा आएगा ना ए रिलेटेड सी करेगा ना है कि डायरेक्ट लिख देगा पुराएगा ना तो देखो यहाँ पर आर है आर की जगह क्या रखोगे आप बी समांतर सी बी समांतर क्या करोगे सी अब होगा सर ए समांतर सी अब देखो ए बी के समांतर है बी सी के समांतर है तो ए सी के समांतर हो जाएगा ये समांतर हो जाएगा ऑटोमेटिक ए रिलेटेड क्या हो जाएगा सी सी हो गया ना जी। तो आर क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों गुण है इसमें इसीलिए तो आर इज एम इक्वी बैलेंस